दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे हम ब्लॉग की पोस्ट के अंदर एक सीओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमको क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं करना चाहिए, कैसे सीओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन बनेगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन आपके पोस्ट की एक छोटा पैराग्राफ होता है जो गूगल के सर्च इंजन में शो होता है। तो जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर सीओ क्या है, मैं सिंपल से सर्च करता हूँ इसको, तो यहाँ पर हिंदी में डॉट एंड आ रहा है, तो यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। तो देखिए सीओ क्या है, तो सीओ क्या है ये देखिए इनको ने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। व्हाट इज द सर्च इंजन, गूगल में फर्स्ट पेज में रैंक कराने के लिए इतनी डिस्क्रिप्शन शो करा दी गूगल के सर्च इंजन में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वेबसाइट ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन डेफिनेट होना चाहिए। किसी भी चीज़ आपने आर्टिकल लिखा है, पोस्ट लिखा है, पेज लिखा है या कैटेगरी बनाई है, हर पर्टिकुलर हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जब तक नहीं होगी तो गूगल का कोई भी सर्च इंजन उस पोस्ट को रैंक नहीं कराता, और दोस्तों देखने में भी ठीक नहीं लगती सर्च इंजन में जब कोई विदाउट डिस्क्रिप्शन की कोई पोस्ट या आर्टिकल या पेज कैटेगरी रैंक कर रही हो। तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन की लेंथ, आपको मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं अपनी यूज़र एक्सपीरियंस बता दूँ, 130 यानी 130 से लेकर 150 कैरेक्टर की रखता हूँ। अगर आपकी वर्डप्रेस पर ब्लॉग है तो आप यूज प्लगइन यूज करते हैं, अगर आप ब्लॉगर है तो ब्लॉगर के लिए भी बताऊँगा मैं। तो मैं वर्डप्रेस पर आपको बता दूँ दोस्तों, मैं जाता हूँ सिंपल सा यहाँ पर नीचे और मैं यूज प्लगइन यूज करता हूँ, तो यहाँ पर प्लगइन पे इस तरह के डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है, देखिए दोस्तों आप टाइटल को मेंशन जरूर करें डिस्क्रिप्शन में। तो मैं इसको टाइटल को ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पहला मैं ये ले लेता हूँ, ये जैसे मैंने ये टाइटल पूरा ले लिया। अब दोस्तों क्या है मैं आपको बता दूं, जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपके टाइटल में फोकस कीवर्ड यूज़ होना चाहिए, और फोकस कीवर्ड केवल एक ही बार यूज़ होना चाहिए, अगर दो तीन बार आपने यूज़ कर लिया तो एक स्पैम हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी ज़्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए, आपकी लेंथ 130 से लेकर 150 कैरेक्टर की होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिया है, उसके बाद ये मैंने ये कंटेंट मैंने यहाँ से पैराग्राफ में से ले लिया है, पहले पैराग्राफ में से जितना मुझे चाहिए था, जितना ग्रीन हो जाए, तो मैंने यहाँ तक ले लिया है मन मुताबिक, जो भी कोई एक्स वाई जेड है मैंने ये कॉपी कर लिया, पहला मैंने ये कॉपी किया, सेकंड मैंने ये कॉपी किया, और नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन बन गई एक यूज़र फ्रेंडली। अब यूज़र फ्रेंडली क्यों बनी है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में अब जाते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरी ये बन गई ग्रीन, दे दिए इसने सिग्नल, ठीक है मेरी क्यों बनी यूज़र फ्रेंडली। तो देखिए दोस्तों मैंने फोकस कीवर्ड यूज किया है और पहला पैराग्राफ भी यूज किया है, तो डिस्क्रिप्शन में यही मैन है क्योंकि इनसे आर्टिकल्स रैंक करेगा। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इन्होंने लिखा है वेब हिंदी, इनका सीओ क्या सेकंड में इनका रैंक कर रहा है webhindi.com है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है सीओ क्या है, तो सीओ का क्या है ये इनका फोकस कीवर्ड है, तो फोकस कीवर्ड उन्होंने पहला यूज किया है अपने डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि हमने अभी यूज किया है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए YouTube एडसन अर्निंग लो, ठीक है कब क्यों, तो देखिए यहाँ पर ये किया है। तो आपको यहाँ पर फोकस कीवर्ड पहला यूज़ करना है ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ पर ब्लॉगर के लिए आप ब्लॉगर में यूज प्लगइन तो यूज़ नहीं होता, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है गूगल एनालिटिक, सॉरी आपको जाना है यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में। तो आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे कि मुझे लिखनी है इसकी, मैंने ये ब्लॉगर में टाइप किया है मैटर, ठीक है, तो इसको कॉपी करना है आपको दोस्तों और यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है कितने वर्ड हो गए 71। उसके बाद आप यहाँ से भी कंटेंट ले सकते हैं, इतना ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसके साइड से ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, या डैश लगा दो, कोई ने डैश भी लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 84 हो रही है, आपको कम करना है तो यहाँ पर आपको कम कर देना है, तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, मुझे ज़्यादा कम नहीं करना, मैं इतना ले लेता हूँ, ये भी ज़्यादा हो जाएगी, आप इतनी रख सकती हैं और भी कम ले सकते हो, 155 रख सकते हो। तो आपको ये कॉपी करके पेस्ट करना है अपने ब्लॉगर में, ब्लॉगर के भी ट्यूटोरियल नहीं बना रहा, इन फ्यूचर में बनाऊंगा तो आपको ब्लॉगर पे भी बताऊंगा। तो वर्डप्रेस में मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस में आप यूज्ड प्लगइन की हेल्प ले सकते हैं और ब्लॉगर में आप इस तरह हेल्प ले सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम एक सीओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग में। आप इसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ बता दिया है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड टेक्स एंड बाय बाय।